हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आपकी जो कन्फ्यूज़न थी ऑप्शन फॉर्म को लेकर के, वो सारी कन्फ्यूज़न इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगी। और जो ईआर रीज़न ने कन्फ्यूज़न क्रिएट की थी, वो सारी कन्फ्यूज़न उन्होंने ही ख़त्म कर दिया है। तो वीडियो शुरू करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि जिसके बाद कन्फ्यूज़न हर जगह शुरू हुई थी, सारे एस्पिरेंट्स के मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या ऑप्शन फॉर्म मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करें, कहाँ मिलने वाला है। तो देखिए वो क्या था। पॉइंट नंबर 8 में लिखा गया था, द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एक्सरसाइज रिवाइज्ड पोस्ट प्रेफरेंस ड्यूरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उनको बोला गया था कि वो जो है एक रिवाइज पोस्ट प्रेफरेंस लाएं और उसको ट्रीट किया जाएगा फाइनल में। अगर वो नहीं देते हैं तो जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था उसे फाइनल ट्रीट किया जाएगा। और पॉइंट नंबर 9 में कहा गया था कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज दियर डिपार्टमेंट या ऑफिस प्रेफरेंस ड्यूरिंग ऑनलाइन वेरिफिकेशन। यहाँ ये भी बताया गया था कि आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन के समय आपको एक ऑप्शन फॉर्म डाउनलोड करके उसमें डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है। और इसके बाद हर जगह कन्फ्यूजन दौड़ गया कि कहाँ से ऑप्शन फॉर्म डाउनलोड करें और कब आएगा, कहां से आएगा। अभी NWR रीजन की जब एडमिट कार्ड आ गई है तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसमें इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। तो एक मेरे दोस्त ने ये पूछा जो ईआर रीजन के जो ऑफिस में, कि क्या ये सच में ऑप्शन फॉर्म हमें कहां से मिलने वाला है, डीवी कल से शुरू होने वाली है तो मुझे बताएं। तो उन्होंने इसका जो है वो खंडन किया, बोला कि ऐसा कोई ऑप्शन फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वो चैट भी दिखाता हूं, उससे पहले आप ये ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जितना अधिक से अधिक शेयर कर पाएँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है सबके लिए जो डीवी में पार्ट लेने वाले हैं। तो ये देखिए वो चैट है, इसमें बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई है, कॉन्वर्सेशन है, तो जो बंगाली जानते हैं वो इसी इजीली समझ पाएंगे। जो ऑफिशियल है ये न्यूज़ कि ऑप्शन फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपने भरा था फॉर्म में वही फाइनल है, कोई ऑप्शन फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो NWR रीजन की जो साइट है उसमें जो आया है, तो उससे एक क्लियर आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपको क्या ले जाना है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो ये रहा वो चैट जिससे वो क्लियर हो चुका है कि वैसा कोई प्रेफरेंस, वो फॉर्म फिलअप के वक्त जो प्रेफरेंस आपने दी थी वही फाइनल है। यहां पे आप देखिए जो लिखा गया है कि आपको कोई ऑप्शन फॉर्म नहीं ले जाने की जरूरत है, कहीं से आपको ऑप्शन फॉर्म नहीं मिलेगा, और जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय भरा था वही फाइनल है। अब ये देखिए कैंडिडेट ने मेरे साथ शेयर की है जो NWR रीजन की जो है, ये रीजन की है एडमिट कार्ड, और इसमें आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से, मैं चाहता हूं कि आपको थॉरली बता दूं कि आपको क्या है। तो देखिए सबसे पहला है जो है थॉरली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट हैंडराइटिंग सैंपल एज वेल एज फोटोग्राफ ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी टेकन टू प्रिवेंट इम्पर्सोनेशन। तो देखिए ये तो है कि आपको ये, और इसका जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको ले जानी है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड। सबसे पहला है आपको कि मैट्रिकुलेशन या फिर उसके समकक्ष जो भी आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और उसकी जेरोक्स कॉपी ज़रूर लेते जाएं। देखिए ऊपर आप लिख सकते हैं कि कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। आपको ओरिजिनल कॉपी भी ले जानी है एंड अ जेरोक्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड रेस्पेक्टिवली। आपको कल के डेट में वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिखना होता है, उस पर आप सेल्फ अटेस्टेड लिखें, अपना साइन करें और डेट डाल दें। तो आपको ओरिजिनल के साथ साथ जो है वो एक जेरोक्स कॉपी भी सबकी बनानी है। तो आपको जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय डाला था, तो उसमें आप डालेंगे जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशनड हो, पासिंग डेट मेंशनड हो कि आपने कब पास आउट हुआ है, तो वो जरूर मेंशन होना चाहिए। और आप देखिए इसमें है कि द कैंडिडेट्स पॉसेसिंग इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल ऑल्सो प्रोड्यूस रेलिवेंट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो भी 10th के इक्विवेलेंट है उसको भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे कि कंप्लीट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनके लिए जो है क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन से पहले जो उनको मिली थी, जो कि 29th ऑफ मई 2019 जो क्लोजिंग डेट थी SSC MTS की
फॉर्म के लिए उसके पहले की आपकी होनी चाहिए, जो आपके एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कि मैं आपको बताता हूँ जो अगला जो पॉइंट है जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रूशल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। बहुत ओबीसी कैंडिडेट्स वाले स्टूडेंट्स को मन में ख्याल आ रहा था कि उनके साथ क्या होगा, तो यहाँ पे एकदम क्लियर है दोनों, आप देखें ईआर रीजन में और एनडब्ल्यूआर रीजन में भी, तो दोनों में क्लियर किया है कि जो 29 मई 2019 थी वही क्लोजिंग डेट है, और उसके पहले का अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद के बाद है तो आपको जनरल में ट्रीट कर दिया जाएगा, ऐसा यहां पे लिखा गया है। ठीक है, क्रूशल डेट फॉर क्लेम, बाद में वहां पे क्या होता है या जो डीवी जिनका होगा वो मुझसे अगर मुझे पता चलेगा मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा फर्स्ट शिफ्ट के बाद कल, लेकिन आज तो ये पता चला अभी तक तो यही है कि आपके लिए जो क्रूशल डेट है वो 29 मई 2019 है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है आपको जो COVID-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एज अटैच्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर लेते जाएं COVID-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और बाकी सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो जरूर लेते जाएं। अब ऑप्शन फॉर्म का कोई जिक्र नहीं है तो आपको कोई झंझट ही नहीं है कि आपको कोई डिपार्टमेंट वाइज ये सब सेलेक्ट करना है, बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है 10th अगर आपने देखिए, अगर जिनके पास फॉर्म जो फिलअप करते समय उनका एप्लीकेशन है तो सबसे बढ़िया है कि उनको एक बार रिव्यू करें कि क्या उन्होंने फॉर्म भरते समय डाला था, क्योंकि जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था उसी को चेक किया जाएगा। आप अगर देखें उसी के अकॉर्डिंग कि आपने कुछ गलत तो नहीं डाला, अगर आपके पास समय है तो अभी आप चेक कर सकते हैं, अगर आप गलत डाले थे तो उसके बदले में आप एफिडेविट जो उसको सपोर्ट में आप डाल सकते हैं कि ये मैंने गलत डाला था उसके लिए ये सही होगा, तो अभी आपके पास समय है। तो अगर आपके पास वो फॉर्म उपलब्ध है तो कोशिश करिए कि वो जितना जल्द से जल्द हो उसको निकाल पाएं, उसको एक बार रिव्यू कर पाएं, देख पाएं कि आपने वो कहां क्या क्या देखा है, आपने क्या क्या फिल किया है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपसे मांगी जाएगी। तो यहां पे आप देखिए, और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जो कैंडिडेट यहाँ पे था कि इसमें वही सब बारी जो डिटेल्स थी जो ईआर रीजन में थी वो आपको डिटेल्स इजीली मिल जाएंगे यहाँ पे। तो जो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे खबर आ रही थी कि आपके लिए जो ऑप्शन फॉर्म थी जो कि पता चल रहा था ईआर रीजन से कि पोस्ट प्रेफरेंस भरा जा रहा है, ये सब कुछ नहीं होने वाला, अगर होता तो आपको अभी तक डाउनलोड करने के लिए मिल जाता, ये CHSL में वैलिड है। CHSL ऐसा लगा कि CHSL जैसा फिर इसमें भी माहौल बन रहा है, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपना डिपार्टमेंट चूज करने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एनडब्ल्यूआर रीजन से जब एडमिट कार्ड आया तो यह खंडन हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मैंने जरूरी अपडेट मैंने सबसे पहले देने की कोशिश की है, जैसे ही मेरे पास आया मैंने आप लोगों को बताना चाहा है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने मार्क्स जरूर शेयर करें कि आप इसके बाद में बेसिस बता सकता हूं कि आपके और अपने पोस्ट प्रेफरेंस जरूर बताएं कि आपने किस तरह से स्टेट प्रेफरेंस थी। सो थैंक यू दोस्तों, कैसा वीडियो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा हमको।